गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम अंडरवियर की कटिंग बताएंगे और सिलाई सिर्फ 10 मिनट में काटेंगे भी और सिलेंगे। तो इसकी फुल लंबाई और चतलाई इसकी कितनी है, लंबाई इसकी 36 है और चौड़ाई इसकी जो कमर है 40 इंच है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें चॉपर कपड़ा कर लिया है, इस तरीके से बहुत सिंपल एकदम साधारण है दोस्तों। आप देखते जाइए, सिर्फ पूरा वीडियो देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो हमें पहले इसे निशान लेना है, इस तरीके से ऊपर की साइड 9 इंच में, नीचे के साइड 8 इंच में, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से, और फुल साइज हमारी लंबाई है 15 इंच है। तो इस तरीके से हमें कुछ नाड़े के लिए रखना है, जो नाड़े के लिए रखना है वो हमें 2 से 2.5 इंच छोड़ना है, और जो नीचे की साइड है उसे हमें 1.5 इंच करना है। अब हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे और नीचे के साइड से हमें कट कर देना है, जो कपड़ा हमारा जॉइंट है उसको हमें कट कर लेना है। तो काश दोस्तों आपको समझ में आएगा, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर हमारे नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे नए नए वीडियो दोस्तों लाते रहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे दोनों पीस निकल आए, तो मतलब दोनों पाए निकल आए। अब हमें कट करना है म्यानी, तो म्यानी हमारी 9 इंच लंबाई है और इसकी 8 इंच चौड़ाई काटेंगे। तो इस तरीके से पहले हमें कपड़े को निशान मार लेना है, कट कर लेना, ध्यान से देखेंगे दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हमें इसे इस तरीके से रख देना है, ऊपर हमें 1 इंच ऊपर की साइड रखना है इस तरीके से, और अब हमें इसको कट कर लेना है। अब थोड़ा सा हमें नीचे के साइड छोड़ करके इसको मेन पॉइंट में कट कर देना है, तो हमारी बहुत अच्छे से गुलाई से ये म्यानी निकले। अब हमारी म्यानी जो 7 इंच की निकल के रेडी हो चुकी है। अब हमें जो कपड़ा ऊपर की साइड है वो हमें पकड़ करके इस तरीके से नारे की साइड का तक हमें ले जाना है। जो ऊपर हमें 9 इंच मार्जिन लिया था वहीं हमें ये नारे की जगह इस तरीके से सिल लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हमें ये हमारी है नाड़े की, इस तरीके से नाड़े या मतलब इलास्टिक जो आप डालें, इस तरीके से हमें इसको सिलाई दे देना है। फिर इसको हमें यहाँ से लेकर के फिर मुड़ जाना है नीचे के साइड। तो ये हमारे नाड़े की जगह बन गई। जब हम इसको पूरा सिल लेंगे इसके बाद इसको हम थोड़ा सा खोल लेंगे दोनों साइड, और अब हमें इस तरीके से चारों पूरा इसको इस तरीके से सीन दे देंगे। ऊपर की जो नाड़ी की जगह इस तरीके से हम सीन दे देंगे। सबसे सिंपल सबसे जल्दी अंडरवियर सिलता है सिर्फ 10 मिनट में, उसे हम काट भी सकते हैं और सिल भी सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ऊपर की जगह सिल गई। अब हमें नीचे के साइड ये कुछ मार्जिन लगाते हैं तो कहीं ऊपर कुछ कपड़ा इधर उधर हो जाता है, तो इसको हम फिर दोबारा से ऐसे मार्जिन लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा बड़ा छोटा ना हो सिलने में। तो जो हमें निशान लगाए उसी जगह हमें इस तरीके से मोड़ लेना है। अब हमें इसमें सिलाई दे देना, तो ये हमारी नीचे की साइड है, इसी तरीके से हमें दोनों पाए सिल लेना है। तो ये हमारे जो नीचे की सीन थी वो हमारी सिल करके रेड। अब हमको लगाना है म्यानी, फिर हमें इसे निशान जो हमें लगाया था और नीचे इस तरीके से ऊपर की साइड से हमें म्यानी देना है। तो इस तरीके से हमें रख देना है, जो ऊपर की साइड हमने सीन दी थी वहीं हमें इसको मिला देनी है, नीचे की साइड से मिलाने और ऊपर की साइड से हमें सिलाई रख देना है इस तरीके से।
आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा और इस तरीके से हम एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। अब यहाँ हमें थोड़ा एक अंगूर से ज़्यादा मतलब एक इंच हमको छोड़ना है, क्योंकि यहीं से हमारी म्यानी खिसक जाती है। तो इधर हमें थोड़ी अंदर की साइड सीयन लेना है, बाहर की साइड नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमें जो म्यानी लग चुकी है ऐसी हमें इस साइड रखना है। बहुत आसान है दोस्तों, 10 मिनट में सिल करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सीयन रख देंगे। तो ऐसे हमें दोनों तरफ रख देना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसको जो सीएन ऊपर हमने ली थी उसी सीएन में हमको इसको ले लेना है। इस तरीके से सीएन के ऊपर सीएन रख देना है और हमें यहीं धागे को कट कर लेना है, हमें बाहर नहीं लेके जाना यहीं। अब ये हमारी दोनों तरफ लग गई। अब हमें क्या करना है, जैसे ये सीएन हमारी सिंगल होगी, अब इसको हम डबल में लगाएंगे। जैसे इस तरफ एक तरफ हमने लगा ली, अब दूसरी तरफ हम इस अच्छे से नप कर लेंगे दोनों साइड और दोनों तरफ, और फिर इसके बाद हम लगा लेंगे इसमें म्यानी दूसरी। निशान लगाने से क्या होता है, हमारा ऊपर नीचे कपड़ा नहीं होता है और हमारे अच्छे से सीएन लग जाती है। तो इस तरीके से हमें जैसे ये म्यानी लगाई थी वैसे इधर भी हम इसमें लगा लेंगे। तो दिखाते हैं, तो इस तरीके से हम रखेंगे और हमें दोनों में रख दिया। अब हमें ऊपर की साइड ये डबल सीएन रखना है। इस तरीके से पहले अच्छे से नीचे से इसको हम एक साइड रखना है, जोन साइड आपको रखना है, या म्यानी के ऊपर रख सकते हैं, ये इस तरफ किसका। तो इसको हमें बहुत आराम से देना है सिलाई, कि इधर उधर हमारी सीएन ना हो जाए। तो इस तरीके से जब हम सीएन रखें तो हमारे बहुत अच्छे से इसकी मजबूती हो जाएगी और यहीं से अक्सर फटते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने घर में जो छोटे छोटे कपड़े हैं सीखने के तौर में हम काट काट के सिल सकते हैं, और इस तरीके से हम बहुत आसानी से अपने घर में जो नए हैं सिलाई सीख सकते हैं। तो काश आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ऐसे नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे हर एक चीज़ की। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों इसमें क्या कमी रहेगी। तो आप इस तरीके से हमारी दोनों में सीएन चल गए। तो इस तरीके से हमारे बहुत सिंपल है, एकदम 10 मिनट में हम इसको सिल करके रेडी करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अब हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है। फुल इसकी लंबाई हमारी होगी 15 इंच, चौड़ाई इसकी हमारी जो कमर है वो 40 इंच थी तो 38 इंच रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमें इधर अब सिलाई, इधर हमें सिलाई बहुत ध्यान से देना है, बार बार यहीं से खुल जाती तो हमें इधर डबल ट्रिपल सीएन दे देना है। इस तरीके से सीधा पकड़ लेना है जिससे कि हमारी झोल नहीं आएगी, और इस तरीके से हमें इधर आगे पीछे कर करके यहाँ डबल सीएन दे देना है। तो ये दोस्तों हमारा अंडरवियर बन करके रेडी हो गया। तो आपको काश अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपने घर बैठे अंडरवियर को और सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे नए नए वीडियो दोस्तों हम लाते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले नए वीडियो में दोस्तों, तब तक लिए राधे राधे। तो ये हमारा अंडरवियर सिर्फ 10 मिनट में हम इसको सिल करके, ये इस जगह हमें नाड़ा दाना इसके सीएन खोल लेनी है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे।